हाय फ्रेंड्स, आज है मेरा मैरिज एनिवर्सरी एंड आज मैं अभी पहनने जा रही हूँ साड़ी। और मैंने ये नाइट ड्रेस पहना हुआ है एंड ये वाली साड़ी पहनूंगी मैं। इसके बाद मैं कैसा मेकअप करती हूँ सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाइक बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ लाइट सा मेकअप किया जाए या फिर विदाउट मेकअप कैसा लुक क्रिएट कर सकते हैं। सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। और मिलते हैं ये साड़ी पहनने के बाद। गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, तो मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है एंड मैं सिर्फ ये मस्कारा आईलाइनर एंड फेस पाउडर से अपना पूरा मेकअप क्लियर करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर काजल लिया हुआ है, आईब्रो पेंसिल भी मैं अभी लेके नहीं आई हूँ। तो मैं इस तरीके से आईब्रो पेंसिल के लिए काजल ही अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास भी नहीं है कुछ भी ब्रश वगैरह तो आप कैसे करोगे, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अब इसको ऐसे उंगली से ही आप मिक्स कर सकते हो। विदाउट ब्रश आप अपने आईब्रोज को फील कर सकते हैं इस तरीके से। अगर ब्रश ना हो तो आप इस तरीके से आईब्रो को फील कर लेंगे। जैसे हमने डार्क लाइन लगा दी थी तो इसकी वजह से आईब्रो जैसे है वो अजीब दिख रहा है, तो उसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब काजल को अप्लाई करेंगे आंखों में और जो फाइनल लुक होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो अभी बहुत गर्मी हो और मेकअप नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मैंने ये सारे प्रोडक्ट अभी अपने सिस्टर इन लॉ से मांगे क्योंकि मेरे पास अभी सब कुछ है बट पैक किया हुआ है, तो अब सामान सारा निकालूंगी। कल से स्टूडेंट आने वाली है मेरी, तो काजल मेरा नीचे को आ गया है। काजल को कभी बहुत पतला नहीं लगाना चाहिए। अगर मैंने अप्लाई कर लिया है काजल, जो है ये है पर्पल का ब्रिंकिंग टुगेदर काजल, विनिंग टुगेदर काजल ऐसा कुछ लिखा हुआ है इस पर, तो पर्पल से मैंने मंगाया होगा। देन मस्करा जो है वो आइकॉनिक लैक्मे कर्ल्स मस्करा है। अब ये जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उनको मैं बाद में अच्छे से मिक्स कर लूँगी, तो मस्करा मैं अप्लाई करूँगी। तो मस्करा मैंने लगा लिया है, ना पाउडर उससे पहले मैं कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लीजिए, अभी मैंने गाउन पहना हुआ था वही वाला ले लिया। तो लाइट भी कट गई, पंखा भी बंद हो गया, तो अभी इस हालत में अगर मेकअप किया जाए, बेशक बाद में मेकअप आपका नहीं निकलता लेकिन तुरंत जब आप करते हो उस टाइम आपको गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने इस तरीके से काजल मस्कारा अप्लाई कर लिया है और पसीने को निकाल दिया है। उसके बाद मैंने लिया है वाइट टोन पाउडर, तो वाइट टोन पाउडर से हम लोग पूरा मेकअप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। कुछ भी अप्लाई नहीं किया, बस वाइट टोन पाउडर इतना सारा लिया है एंड पूरे फेस पर इस तरीके से करके हाथों में और इसको आँखों के नीचे भी लगा लेंगे जिससे कि हमारा जो काजल है वो फैलेगा नहीं। बालों के लिए मैं हाई बन बनाऊंगी यहाँ पे।
अब मैं लगाऊंगी लाइट पिंक कलर का लिपस्टिक। लिपस्टिक है लैकमे फॉरएवर मेट लिक्विड लिपस्टिक है, शेड नंबर 25 है। अगर आपको बहुत डार्क लिपस्टिक नहीं चाहिए तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो कभी कभी होता है हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होता है मेकअप का और सडनली हमको मेकअप करना पड़ जाता है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो जो मैंने अभी बताया आपको, जैसे मैंने किया है अपना। तो मेकअप जो है वो मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो चलिए ब्लशिंग ब्लश के लिए आप लिपस्टिक ही अप्लाई कर सकते हो, तो वो लिपस्टिक ही मैं यहाँ पे अप्लाई कर ले रही हूँ ब्लश के लिए। और जैसे कि मेट है ये, तो फटाफट आप फिंगर से इसको ब्लेंड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया अपना लिपस्टिक भी ब्लश भी, एंड ब्लश के बाद थोड़ा सा पाउडर और यूज़ कर लेंगे, जिससे कि अगर एक्स्ट्रा हो, क्योंकि लिपस्टिक से लगा रहे हैं तो एक्स्ट्रा हो सकता है। तो आईज के नीचे से इस तरीके से लगाना स्टार्ट करेंगे। डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा ले रहे हैं। और मेकअप मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया। कैसा लगा आपको मेकअप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं हेयर स्टाइल करने के लिए हाई पोनीटेल बनाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें। फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। मैं यहाँ पे आ गई अपना हेयर स्टाइल बनाने, एंड मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक क्लचर की मदद से ये हेयर स्टाइल क्रिएट करने वाली हूँ। तो आपके पास अगर कुछ ना हो तो आप इस क्लचर की मदद से कैसे करोगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं आज ही पहुँची हूँ, मेरा सामान पूरा पैक है, कुछ भी मिल नहीं रहा है। तो जो जो मेरे सिस्टर इन लॉ के पास है वो मैं लेके आ जा रही हूँ, उससे अपना मेकअप और हेयर स्टाइल कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैं बनाऊँगी हाई बन, क्योंकि यहाँ पे मुझे पल्लू रखना पड़ता है सिर पे, तो हाई बन बना लेंगे। और मैं गाड़ी में से आई हूँ, आज ही मैं पहुँची हूँ, और मैंने बालों को एक बार भी कॉम नहीं किया है। अभी डायरेक्ट रेडी हो रही हूँ तो कर रही हूँ। तो बिल्कुल ऊंचा बनाना है, बिल्कुल भी नीचे नहीं करना है। अगर आप हाई पोनीटेल बना रहे हो तो हाई बन या हाई पोनीटेल बना रहे हो कुछ भी, तो इस तरीके से मैंने एक हाई पोनीटेल तो बना ली है, बट बालों को बिल्कुल उलझे हुए बाल हैं और मैं इसको सुलझाऊंगी नहीं, क्योंकि तेल लगाने के बाद ही सुलझेगा। बस थोड़ा सा पफ लुक पफ क्रिएट करने के लिए यहाँ से इस तरीके से बालों को खींच लूँगी एंड लेयर्स निकाल लूँगी। तो इस तरीके से लेयर्स निकाल लिए हैं और ये ऐसे ही रहेंगे बाल, बिल्कुल भी मैं इसको ठीक नहीं करूँगी। एंड इस तरीके से सिंपली राउंड में ऐसे घुमा के और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में क्लचर को लगा देंगे। ओके, और ये जो मेरा बन है वो बन के रेडी हो गया। इसके साथ आपको अगर एक दो यूपिन मिल जाए तो आप उसको लगा लीजिएगा, वैसे मेरे पास नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं लगा रही हूँ। और दैट्स इट, मेरा जो मेकअप है एंड हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जहाँ से भी आपको लगे कि निकल रहा है तो आप क्लचर में ही इस तरीके से सेट करने की कोशिश कीजिएगा। अब इसके साथ हम लोग अपना साड़ी का पल्लू सेट कर लेंगे। और ये मेरा मेकअप और हेयर स्टाइल डन हो गया है। आप चाहो तो साड़ी के पल्लू में भी एक दो पिन लगा सकते हैं। यहाँ से हमेशा पल्लू को लूज रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो कंफर्टेबल रहेंगे और ये खींचेगा नहीं बार बार। ये है मेरा फाइनल लुक। तो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई प्रोडक्ट नहीं है तो ये वाला तरीका कैसा लगा आप लोगों को मेकअप करने का और हेयर स्टाइल करने का। आई होप कि पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी इस तरीके की ईजी हैंडफुल हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए।
चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।